In this video, I am going to share with you all the box office collection updates of Bollywood film Janta Ki Adalat. Janta Ki Adalat, जो रिलीज हुई थी 29 जुलाई 1994 को और ये एक बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको 5 में से 3 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी। फिल्म को टीएलवी प्रसाद ने डायरेक्ट किया था और इसके जो राइटर थे और जो प्रोड्यूसर थे उनका नाम था केसी बोगाड़िया। अब कर लेते हैं कास्ट की बात। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, मधु, गौतमी, सदाशिव अमरापुरकर और असरानी लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। वैसे एक फिल्म आई थी तमिल फिल्म जो आई थी 1993 में जिसका नाम था मुद्रु गई। अब ये जो बॉलीवुड फिल्म है जनता की अदालत ये इसी तमिल फिल्म का रीमेक है और जो ये जनता की अदालत जो फिल्म है इसके जो डायरेक्टर है टीएलवी प्रसाद, ये डायरेक्टर टीएलवी प्रसाद और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की एक साथ फर्स्ट फिल्म थी और इसके बाद इन दोनों ने साथ में 25 फिल्मों में काम किया था, 25 फिल्मों में काम किया था एज अ डायरेक्टर और एज अ एक्टर, जो रिकॉर्ड दर्ज हुआ था लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में। चलिए अब बात करते हैं कलेक्शंस की। तो फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो था 3 करोड़ 9 लाख रुपीस का, 3 करोड़ 9 लाख का। इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 5 करोड़ 37 लाख रुपीस का। इंडिया से बाहर यानी ओवरसीज मार्केट में जो कलेक्शन थी वो थी 7 लाख रुपीस की और फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन था वो था 5 करोड़ 44 लाख रुपीस का। रही बात बजट, तो फिल्म का जो बजट था वो था 2 करोड़ का। अब 2 करोड़ के बजट में जो लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था इंडिया का 3 करोड़ 9 लाख रुपीस का, उस हिसाब से फिल्म को जो बॉक्स ऑफिस पर वर्डिक्ट दी गई थी यानी हिट और फ्लॉप की, वो थी सेमी हिट की वर्डिक्ट, यानी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। फिल्म के अंदर टोटल 6 गाने थे, सभी गानों को कंपोज किया था बप्पी दा यानी बप्पी लहरी जी ने। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉली म्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।